नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज नई एक रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। के आपको पता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग का काम क्या होता है? ओके, ये तो हम सबको पता है, छपाई की मशीन, राइट। शेड्यूल ए के अंदर मिनी रत्न कैटेगरी वन टाइप का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, राइट, ओनली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके ऊपर आए हुए वैकेंसीज है, उन सब वैकेंसीज को हम डिस्कस करने वाले, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बाद में एग्जाम का पैटर्न क्या है, ओके, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, उन सबको देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब आगे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन के लिए हमने एक प्री के लिए कोर्स लॉन्च कर रखा है, राइट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। जिस कोर्स की फीस मात्र 1499 रुपीज है, अच्छी पोस्ट है, क्लास वन की जॉब है, क्लियर। इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड जीएस जीके, उसके बाद में साइंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको प्री में पूछे जाएंगे, फिर आपकी मेंस होगी जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होगी, राइट, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव भी, प्री का पोर्शन भी मेंस में होगा। तो इसके लिए हमने बैच अनाउंस की है, आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, फीस बहुत ही कम रखी गई है, राइट। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आगे आने वाले सभी एडवर्टाइजमेंट के बारे में नोटिफिकेशन जानने के लिए। चलिए आगे, अब देखिए असिस्टेंट मैनेजर प्रिंटिंग की 7 वैकेंसीज है, राइट, फिर उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, जिसके लिए आपको बीटेक इलेक्ट्रिकल चाहिए, 4 वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसीज है, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल की 4 वैकेंसीज है। बीटेक चाहिए आपको करस्पॉन्डिंग ट्रेड के अंदर, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक में बीटेक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में बीटेक, या प्रिंटिंग का भी 4 साल का बीटेक होना चाहिए, 30 इयर्स की एज लिमिट है। फिर उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर 1 वैकेंसी, फिर उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, ओके, 2 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस 2 वैकेंसी, ओके, फिर असिस्टेंट मैनेजर असे 2 वैकेंसी, फिर असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल कंट्रोल 5 वैकेंसी, एज लिमिट 30, फिर उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर आर्टिस्ट एंड डिजाइनर, ओके, 3 वैकेंसी, फिर उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट 3 वैकेंसी, 30 ईयर एज लिमिट, और सैलरी अच्छी खासी है, 40,000 से लेकर 1,40,000 तक की सैलरी है। फिर उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर आईटी, उसके लिए भी 30 एज लिमिट है, 30 का 1 वैकेंसीज है ओबीसी कैटेगरी के लिए, राइट, 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी सैलरी होगी। अब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिंटिंग असिस्टेंट मैनेजर के लिए बी बीटेक इन एरिया ऑफ प्रिंटिंग, फिर उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए बी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बी बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कोई भी चलेगा, राइट, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए बी बीटेक इन मैकेनिकल, असिस्टेंट मैनेजर मेटलर्जी के लिए बी बीटेक इन मेटलर्जी, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए देखो बी बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज पल्प एंड पेपर के अंदर और एमएससी केमिस्ट्री, राइट, 3 में से 1 चलेगा। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, यहां देखिए बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और एमएससी केमिस्ट्री, फिर असिस्टेंट मैनेजर ऐसे के लिए, ओके, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक, मेटलर्जी के अंदर बीटेक और फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री, क्लियर, 3 है। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल कंट्रोल, राइट, इसमें बी बीटेक इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फिर असिस्टेंट मैनेजर आर्टिस्ट एंड डिजाइन 4 ईयर फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री इन फाइन एंड आर्ट ग्राफिक डिजाइन कमर्शियल आर्ट, ओके, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट, इसके लिए बी बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड लिखा हुआ है, मतलब इसके साथ और एक चाहिए, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एमबीए इन एरिया ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट स्टोर मैनेजमेंट परचेस ऑपरेशन मैनेजमेंट सप्लाई चेन राइट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इनमें आपको एमबीए चाहिए। फिर असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल टाइम
फर्स्ट क्लास एमसीए, फर्स्ट क्लास बी बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी। फिर उसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, देखो ऑनलाइन टेस्ट होगी जिसके लिए 75% आपका वेटेज है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा जिसके लिए 25% वेटेज है, और 1:5 के रेशो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पैटर्न क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन 60 आएंगे 90 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, टोटल 120 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, ओके 120 मिनट। अब इंग्लिश छोड़ के बाकी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे। आगे चलते, अब फीस कितनी है, 600 है, किनके लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 फीस जो है वो एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए। क्लियर। अब एप्लीकेशन डेट कब से है, 8 तारीख से शुरुआत हुई, 8 अगस्त तक चलेगा, राइट, मतलब अगले महीने के 8 तारीख तक चलेगा, तो एक महीने का पूरा समय आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट शैल बी इन्फॉर्म ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर आपको डेट बताई जाएगी। फिर लिंक और डाउनलोड द एडमिट कार्ड, 10-15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। क्लियर। तो ये रही पूरी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आगे आने वाली हर एड आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन सब तक पहुंचाइए जिन जो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो मैं रुकता हूं यहां, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।